जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया और सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में विकास लाइफ केयर के बारे में बात करने वाले हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, विकास लाइफ केयर में सिर्फ टेक्निकल के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में बहुत मतलब शॉर्ट टर्म की बात करें तो शेयर प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अभी देखिए अभी इसमें चल क्या रहा है कि अभी इसका शेयर प्राइस देखेंगे तो 3.85 के आसपास चल रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दौरान की बात करें तो 1.5% के आसपास तेजी देखने को मिली है। देखिए पिछले 6 मंथ में देखेंगे तो 6 मंथ में लगातार यदि एक कंटिन्यूस वे में देखेंगे तो इसका प्राइस नीचे ही आया है पिछले 6 मंथ में। और वहीं यदि 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में भी कुछ खास चढ़ाव नहीं है, ज़्यादा देखेंगे तो नीचे ही रहा है। पिछले 1 सप्ताह में भी और 1 मंथ और एक सप्ताह दोनों में देख सकते हैं तकरीबन 5% के आसपास तकरीबन गिरावट देखने को मिली है। तो ये तो हो गया सामान्य सी बात। अभी हाल फिलहाल का चल रहा है, जब मैं आपको स्क्रीनर की वेबसाइट पर दिखाऊंगा तो वहाँ पर ज़्यादा बातें क्लियर हो पाएंगी। यहाँ पर देखेंगे विकास लाइफ केयर में अभी यदि मैं आपको बात करूँ तो यहाँ जो आप चार्ट देख रहे हैं विकास लाइफ केयर का चार्ट है। विकास लाइफ केयर में देखेंगे जो चार्ट तो नीचे की तरफ आपको जाते हुए दिखेगा। मैंने साल भर के चार्ट अभी ओपन किए हुए, देखिए यहाँ तक तो प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था। यहाँ तक आपने स्पष्ट रूप से देखा कि प्राइस ये तकरीबन 4.5 रुपये से लेकर 5 रुपये के बीच में रह रहा था। लेकिन अभी यहाँ पर देखेंगे तो 4.5 रुपये से भी प्राइस नीचे आ गया है और प्राइस यहाँ पर अब 4 रुपये से भी नीचे आ गया है। पहले 4.5 रुपये से नीचे, अब 4 रुपये से भी नीचे आ गया। तो अब और नीचे कितना आ सकता है तो देखिए ये वाला जो आप लेवल देख रहे हैं, ये जो लेवल है इसके लिए ये एक मतलब सपोर्ट का काम करेगा। जो 3.5 रुपये के आसपास का लेवल है, 3.5 रुपये तक प्राइस आ सकता है। 3.5 रुपये पर आकर सपोर्ट लेगा और फिर यहाँ से ऊपर उठेगा तो फिर 4.5 रुपये तक आएगा। और जब तक एक बात आप ध्यान में रखेंगे, जब तक इस लेवल को ये जो 4.5 रुपये का लेवल इसके ऊपर नहीं निकलता, इसमें लंबी अवधि में तेजी बनने नहीं जा रहा है। तो शॉर्ट टर्म के जो निवेशक हैं उन्हें क्या करना, उनको ये बात समझ में आ गया होगा कि अभी ये प्राइस आएगा 3.5 रुपये के लेवल तक, ये वाला जो लेवल है यहाँ से रिट्रेसमेंट मार्कर ये ऊपर उठेगा उठेगा, भरोसा रखिए, और जाएगा 4.5-5 रुपये के आसपास। तो यदि आपका मतलब आने वाले समय में 4.5-5 रुपये का टारगेट हो तो ये आपको इजीली अचीव होते हुए दिखेगा जब प्राइस कब यहाँ से जो 3.5 रुपये का लेवल, मतलब यहाँ से प्राइस रिट्रेसमेंट मार्कर ऊपर उठेगा तब। और अभी प्राइस नीचे आएगा आप मान के चलिए 3.5 रुपये के आसपास तक आएगा। और आपको पता है कि अभी अमेरिका में जो सिलिकॉन वैली बैंक है उसमें मतलब दिवालिया होने के आधार पर, तो उसकी वजह से भी मार्केट में भी गिरावट देखने को मिलेगा, मार्केट में नीचे आएगा। तो जो मार्केट नीचे आएगा तो ओवरऑल जितनी भी कंपनियां शेयर प्राइस में थोड़ा बहुत गिरावट आएगी तो विकास लाइफ केयर में भी गिरावट आएगा। लेकिन मैंने जो लेवल बताया वहाँ पर सपोर्ट लगे, प्राइस ऊपर उठेगा तो 4.5 रुपये और फिर 5 रुपये तक आपको जाते हुए इसका प्राइस दिखेगा। तो इस टारगेट के लिए यदि आप नज़र लगा के बैठे हैं तो ये टारगेट आपको इसलिए अचीव होते हुए दिखेगा। विकास लाइफ केयर में कुछ खास अपडेट नहीं है, जो कमाल जो काम की बात थी मैंने आपको बता दी है। मन में कोई भी कन्फ्यूजन या सवाल है तो उसको मैंने जरूर पूछेगा पर्सनली मुझसे जरूर बातें करने के लिए। आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपके पास शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप Angel One या MStock के साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।